अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरप्रेट प्लस। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक अहम तरीन इंटीग्रल के प्रॉब्लम को। सिंपल सा प्रॉब्लम है, अवेलुएट द इंटीग्रल ऑफ कोस क्यूब थीटा डी ऑफ थीटा हैविंग लिमिट्स 0 टू पाई बाई 6। डियर स्टूडेंट, इफ यू वांट टू जॉइन आवर ऑनलाइन अकेडमी फॉर एनी कॉन्टैक्ट्स फॉर एनी कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स, कॉन्टैक्ट अस 0304-2291893। डियर स्टूडेंट, आज के हमारा प्रॉब्लम है टुडे आवर प्रॉब्लम, so solve this problem. First of all, we simplify, we arrange in a factors form like 0 to pi by 6 cos square theta cos theta d theta. Okay, we know that cos square theta plus sin square theta equal to 1 and sin square theta, in other words, cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. So replace here cos square theta at 1 minus sin square theta, replacing 0 to pi by 6 cos square theta replacing with 1 minus sin square theta cos theta d theta. Now multiplying with cos theta 0 to pi by 6 cos theta minus sin square theta cos theta d of theta. Now separating d of theta 0 to pi by 6 cos theta d theta minus 0 to pi by 6 sin theta square cos theta. We know that if we have a function and its derivative is to be appear, then we add powers in a function. So let's see. Dear student, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई function हो, साथ में उसका derivative हो, तो हम function की power में 1 को add कर देते हैं। अब function है sin theta, power कुछ भी हो, doesn't matter. Sin का derivative cos है, तो ये function की power में 1 add कर देंगे। तो इनका जब integral लेंगे, ठीक है? 0 टू पाई बाय 6 ये cos थीटा, सॉरी हम यहाँ पे इंटीग्रल ले लेते हैं। cos थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? cos थीटा का इंटीग्रल हमारे पास होता है sin थीटा 0 टू पाई बाय 6 माइनस sin थीटा cos थीटा है। सो इंटीग्रल ऑफ sin थीटा क्या होता है? हमारे पास cos थीटा होता है, तो हम इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा sin क्यूब थीटा ओवर 3 और 0 टू पाई बाय 6। ये हमारे पास इंटीग्रल्स को अवेलुएट कर लिया हमने। जो स्टूडेंट, अब हमने जस्ट वैल्यूज को रिप्लेस करना है, अपर लिमिट्स पहले लो लिमिट, फिर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी साइन पाई बाय 6 माइनस साइन 0, सिमिलरली 1 ओवर 3 साइन पाई बाय 6 इसका क्यूब माइनस साइन ऑफ 0। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ सी दैट साइन पाई बाय 6, बेसिकली वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2, और ये 1 ओवर 2, ये साइन 0 जो है 0 के इक्वल होता है। सिमिलरली माइनस 1 ओवर 3 1 ओवर साइन पाई बाय 6 है यहाँ पे, ठीक है, ये 3 बाहर था। साइन पाई बाय 6 किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट? ये भी इक्वल होता है 1 ओवर 2 इसका क्यूब माइनस 0। अब नेक्स्ट देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या होगा? 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 3 इंटू 1 ओवर 2, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास? 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 6, सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट आप इसके सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सॉरी 2 का क्यूब हमारे पास क्या आएगा? 8, 1 ओवर 2 का क्यूब है तो ये 8, और 8 3 ज़ार 24, यहाँ पे 24 आएगा। आगे आपने जो सिंप्लीफिकेशन लेनी है, 24 एज एलसीएम, यहाँ पे 12 माइनस 1 इक्वल आ जाएगा 11 ओवर 24, that is our required solution. Okay, 11 over 14 square unit is our required solution.